1823 में आज के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जेम्स मोनरो ने दक्षिण अमेरिका के लिए पहला राजदूत नियुक्त किया। 1880 में आज के दिन थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली से चलने वाले बल्ब का पेटेंट कराया। 1905 में आज के दिन मॉरिस राव वियर ने फ्रांस में सरकार बनाई। 1915 में आज के दिन अमेरिकी मरीन ने हैती पर कब्जा किया। 1926 में आज के दिन स्कॉटिश वैज्ञानिक जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। इसे उस समय टेलीवाइजर का नाम दिया गया था। 1948 में आज के दिन पहला टेप रिकॉर्डर बिका। 1967 में आज के दिन अपोलो 1 दुर्घटना में 3 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। 1974 में आज के दिन पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी ने नई दिल्ली में 3 मूर्ति स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम राष्ट्र को समर्पित किया। 1988 में आज के दिन पहली बार हेलीकॉप्टर डाक सेवा का उद्घाटन किया गया। 2009 में आज के दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन का निधन हुआ। वर्ष 1987 में 77 वर्षीय वेंकटरमन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की थी। इससे पहले वो देश के उपराष्ट्रपति का पद संभाल चुके थे। रामास्वामी वेंकटरमन वर्ष 1947 से वर्ष 1950 तक मद्रास प्रोविडेंशियल बार फेडरेशन के सचिव रहे। वेंकटरमन तमिलनाडु की औद्योगिक क्रांति के शिल्पकार माने जाते हैं।